जबीरा अंतर्गत ग्राम पिपरिया में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन गुरुवार को धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। भागवत कथा में भगवान के जन्मोत्सव को लेकर मंच को फूलों की माला और गुब्बारों से विशेष रूप से सजावट की गई। इस विशेष दिन को लेकर श्रद्धालुओं की अच्छी भीड़ रही। कथावाचक माधवेश शास्त्री ने भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा सुनाते हुए कहा कि हर मनुष्य के जीवन में 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, मत, मोह, लोभ व अहंकार। जब हमारे अंदर के ये 6 शत्रु समाप्त हो जाते हैं तो 7वें संतान के रूप में शेष जी, जो काल के प्रतीक हैं, वो काल फिर मनुष्य के जीवन में आना भी चाहे तो भगवान अपने योग माया से उस काल का रास्ता बदल देते हैं। और 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। जिसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आ गई तो ऐसा समझना चाहिए जीवन सफल हो गया है। कथा के बीच में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की आकर्षक झांकी निकाली गई। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर भजनों पर श्रद्धालु झूमते गाते नजर आए।